भक्ति के लक्षण। निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज को भक्ति योग कहते हैं। इस खोज का आरंभ, मध्य और अंत प्रेम में होता है। ईश्वर के प्रति एक क्षण की भी प्रेमोन्मत्तता हमारे लिए शाश्वत मुक्ति को देने वाली है। भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, भगवान के प्रति उत्कट प्रेम ही भक्ति है। जब मनुष्य इसे प्राप्त कर लेता है तो सभी उसके प्रेम पात्र बन जाते हैं। वो किसी से घृणा नहीं करता, वो सदा के लिए संतुष्ट हो जाता है। इस प्रेम से किसी काम्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक सांसारिक वासनाएं घर किए रहती हैं तब तक इस प्रेम का उदय ही नहीं होता। भक्ति कर्म से श्रेष्ठ है और ज्ञान तथा योग से भी उच्च है, क्योंकि इन सब का एक न एक लक्ष्य है ही, पर भक्ति स्वयं ही साध्य और साधन स्वरूप है। नारद भक्ति सूत्र। भारतवर्ष के साधु महापुरुषों के बीच भक्ति ही चर्चा का विषय रही है। भक्ति की विशेष रूप से व्याख्या करने वाले शांडिल्य और नारद आदि महापुरुषों को छोड़ देने पर भी स्पष्टतः ज्ञान मार्ग के समर्थक व्यास सूत्र के महान भाष्यकारों ने भी भक्ति के संबंध में हमें बहुत कुछ बतलाया है। भले ही इन भाष्यकारों ने सब सूत्रों को न सही, पर अधिकतर सूत्रों की व्याख्या शुष्क ज्ञान के अर्थ में ही की है, किंतु यदि हम उन सूत्रों के, विशेषकर उपासना कांड के सूत्रों के अर्थ पर निरपेक्ष भाव से विचार करें तो पाएंगे कि उनकी इस प्रकार यथेच्छ व्याख्या नहीं की जा सकती। सच तो ये है कि ज्ञान और भक्ति में उतना अंतर नहीं जितना लोग अनुमान लगाया करते हैं, पर जैसा हम आगे देखेंगे ये दोनों हमें एक ही लक्ष्य स्थल पर ले जाते हैं। ऐसा ही हाल राजयोग का भी है। उसका अनुष्ठान जब मुक्ति लाभ के लिए किया जाता है, सीधे साधे लोगों की आंखों में धूल झोंकने के उद्देश्य से नहीं, तो वो भी हमें उसी लक्ष्य पर पहुंचा देता है। भक्ति योग का एक बड़ा लाभ ये है कि वो हमारे चरम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति का सबसे सरल और स्वाभाविक मार्ग है, परंतु साथ ही उससे एक विशेष भय की आशंका ये है कि वो अपनी निम्न या गौणी अवस्था में मनुष्य को बहुधा घोर मतांद और कट्टर बना देता है। हिंदू, इस्लाम या ईसाई धर्म में जहां कहीं इस प्रकार के धर्मांध व्यक्तियों का दल है, वो सदैव ऐसे ही निम्न श्रेणी के भक्तों द्वारा गठित हुआ है। वो इष्ट निष्ठा, जिसके बिना यथार्थ प्रेम का विकास संभव नहीं, अक्सर दूसरे सब धर्मों की निंदा का भी कारण बन जाती है। प्रत्येक धर्म और देश में दुर्बल और अविकसित बुद्धि वाले जितने भी मनुष्य हैं, वे अपने आदर्श से प्रेम करने का एक ही उपाय जानते हैं, और वो है अन्य सभी आदर्शों को घृणा की दृष्टि से देखना। यही इस बात का उत्तर मिलता है कि वही मनुष्य जो धर्म और ईश्वर संबंधी अपने आदर्श में इतना अनुरक्त है, किसी दूसरे आदर्श को देखते ही या उस संबंध में कोई बात सुनते ही इतना खूंखार क्यों हो उठता है। इस प्रकार का प्रेम कुछ कुछ दूसरों के हाथ से अपने स्वामी की संपत्ति की रक्षा करने वाले एक कुत्ते की सहज प्रवृत्ति के समान है। पर हां, कुत्ते की वो सहज प्रेरणा मनुष्य की युक्ति से कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि वो कुत्ता कम से कम अपने स्वामी को शत्रु समझकर कभी भ्रमित तो नहीं होता, भले ही उसका स्वामी किसी भी वेश में उसके सामने क्यों ना आ जाए। फिर मतांध व्यक्ति अपनी सारी विचार शक्ति खो बैठता है। व्यक्तिगत विषयों की ओर उसकी इतनी अधिक अनुरक्ति रहती है कि वो ये जानने का बिल्कुल इच्छुक नहीं रह जाता कि कोई व्यक्ति कहता क्या है, वो सही है या गलत। उसका तो एकमात्र ध्यान रहता है ये जानने में कि वो बात कहता कौन है। तुम देखोगे, जो व्यक्ति अपने संप्रदाय के, अपने मत वाले लोगों के प्रति दयालु है, भला है और सच्चा है, सहानुभूति संपन्न है, वही अपने संप्रदाय से बाहर के लोगों के विरुद्ध बुरा से बुरा काम करने में भी ना हिचकिचाएगा। लेकिन ऐसी आशंका भक्ति की केवल निम्न स्तर की अवस्था में ही रहती है। इस अवस्था को गौणी कहते हैं, परंतु जब भक्ति परिपक्व होकर उस अवस्था को प्राप्त हो जाती है जिसे हम परा कहते हैं, तब इस प्रकार की घोर मतांधता और कट्टरता की आशंका नहीं रह जाती। इस पराभक्ति से अनुभूत व्यक्ति प्रेम स्वरूप भगवान के इतने निकट पहुंच जाता है कि वो फिर दूसरों के प्रति घृणा भाव के विस्तार का यंत्र नहीं बन सकता। ऐसा संभव नहीं कि हम में से प्रत्येक इसी जीवन में सामंजस्य के साथ अपना चरित्र निर्माण कर सकें। फिर भी हम जानते हैं कि जिस चरित्र में ज्ञान, भक्ति और योग
इन तीनों का सुंदर सम्मिश्रण है वही सर्वोत्तम कोटि का है। एक पक्षी के उड़ने के लिए तीन अंगों की आवश्यकता होती है, दो पंख और पतवार स्वरूप एक पूंछ। ज्ञान और भक्ति दो पंख की तरह हैं और योग पूंछ जो इनमें सामंजस्य बनाए रखता है। जो लोग इन तीनों साधना प्रणालियों का एक साथ सामंजस्य बिठाकर अनुष्ठान नहीं कर सकते और इसलिए केवल भक्ति को अपने मार्ग के रूप में अपना लेते हैं, उन्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि बाह्य अनुष्ठान और क्रियाकलाप आरंभिक दशा में नितांत आवश्यक हैं, फिर भी भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न कर देने के अतिरिक्त उनकी और कोई उपयोगिता नहीं होती। हालांकि ज्ञान और भक्ति दोनों ही मार्गों के आचार्यों का भक्ति के प्रभाव में विश्वास है, फिर भी उन दोनों में कुछ थोड़ा सा मतभेद है। ज्ञानी की दृष्टि में भक्ति मुक्ति का एक साधन मात्र है, पर भक्त के लिए वो साधन है और साध्य भी। मेरी दृष्टि में तो ये भेद नाम मात्र का ही है। वास्तव में जब भक्ति को हम एक साधन के रूप में लेते हैं तो उसका अर्थ केवल निम्न स्तर की उपासना होता है। इस तरह ये निम्न स्तर की उपासना ही आगे चलकर पराभक्ति में परिणित हो जाती है। ज्ञानी और भक्त दोनों ही अपनी अपनी साधना प्रणाली पर विशेष जोर देते हैं, पर वे ये भूल जाते हैं कि पूर्ण भक्ति के उदय होने से पूर्ण ज्ञान बिना मांगे ही प्राप्त हो जाता है, और इसी प्रकार पूर्ण ज्ञान के साथ पूर्ण भक्ति भी स्वतः ही आ जाती है। उपर्युक्त बात को ध्यान में रखते हुए हम अब ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि इस विषय में महान वेदांत भाष्यकारों का क्या कहना है। आवृत्ति रस कृदुपदेशात सूत्र की व्याख्या करते हुए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं वो गुरु का भक्त है, वो राजा का भक्त है, और वो ये बात उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं जो गुरु या राजा का अनुसरण करता है, और इस प्रकार ये अनुसरण ही जिसके जीवन का ध्येय है। इस प्रकार जब वे कहते हैं एक पतिव्रता स्त्री अपने विदेश गए पति का ध्यान करती है, तो यहां भी एक प्रकार से उत्कंठा युक्त निरंतर स्मृति को ही लक्ष्य किया गया है। शंकराचार्य के मतानुसार यही भक्ति है। इसी प्रकार अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र की व्याख्या करते हुए भगवान रामानुज कहते हैं, एक पात्र से दूसरे पात्र में तेल डालने पर जिस प्रकार वो एक अखंड धारा में गिरता है, उसी प्रकार किसी ध्येय वस्तु के निरंतर स्मरण को ध्यान कहते हैं। जब इस तरह की ध्यानावस्था ईश्वर के संबंध में प्राप्त हो जाती है तो सारे बंधन टूट जाते हैं। हमारे शास्त्रों में इसी प्रकार के निरंतर स्मरण को मुक्ति का साधन बतलाया गया है। फिर ये स्मृति है तो दर्शन के ही समान, क्योंकि उसका तात्पर्य इस शास्त्रोक्त वाक्य के तात्पर्य के ही सदृश है। उस पर और अवर यानी दूर और समीप पुरुष के दर्शन से हृदय ग्रंथियां छिन्न हो जाती हैं, समस्त संशयों का नाश हो जाता है और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। भगवान रामानुज, जो समीप है उसके तो दर्शन हो सकते हैं, पर जो दूर है उसका तो केवल स्मरण ही किया जा सकता है। फिर भी शास्त्रों में कहा गया है हमें तो उन्हें देखना है जो समीप हैं और फिर दूर भी, और इस प्रकार शास्त्र हमें ये दिखा रहे हैं कि उपर्युक्त प्रकार का स्मरण दर्शन के ही बराबर है। ये स्मृति प्रगाढ़ हो जाने पर दर्शन का रूप धारण कर लेती है। शास्त्रों में प्रमुख स्थानों पर कहा गया है कि उपासना का अर्थ निरंतर स्मरण ही है, और ज्ञान भी जो असकृत उपासना से अभिन्न है निरंतर स्मरण के अर्थ में ही वर्णित हुआ है। अतएव श्रुतियों ने उस स्मृति को जिसने प्रत्यक्ष अनुभूति का रूप धारण कर लिया है मुक्ति का साधन बताया है। आत्मा की अनुभूति न तो नाना प्रकार की विद्याओं से हो सकती है, न बुद्धि से और न बारंबार वेदाध्यन से। यह आत्मा जिसको वर्ण करती है वही इसकी प्राप्ति करता है, तथा उसी के सम्मुख आत्मा अपना स्वरूप प्रकट करती है। यहां ये कहने के उपरांत कि केवल श्रवण मनन और निधि ध्यासन से आत्म उपलब्धि नहीं होती, ये बताया गया कि जिसको ये आत्मा वरण करती है उसी के द्वारा ये प्राप्त होती है। जो अत्यंत प्रिय है उसी को वरण किया जाता है। जो इस आत्मा से अत्यंत प्रेम करता है वही आत्मा का सबसे बड़ा प्रिय पात्र है। यह प्रिय पात्र जिससे आत्मा की प्राप्ति कर सके उसके लिए स्वयं भगवान सहायता देते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है जो मुझ में सतत युक्त है और जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं
उन्हें मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जिसे ये प्रत्यक्ष अनुभवात्मक स्मृति अत्यंत प्रिय है उसी को परमात्मा वरण करते हैं, वही परमात्मा की प्राप्ति करता है। क्योंकि जिनका स्मरण किया जाता है उन परमात्मा को ये स्मृति अत्यंत प्रिय है। ये निरंतर स्मृति ही भक्ति शब्द द्वारा अभिहित हुई है। पतंजलि के ईश्वर प्राणिधानाद्वा सूत्र की व्याख्या करते हुए भोज कहते हैं, प्राणिधान वो भक्ति है जिसमें इंद्रिय भोग आदि समस्त फलाकांक्षाओं का त्याग कर सारे कर्म उस परम गुरु परमात्मा को समर्पित कर दिए जाते हैं। भगवान वेदव्यास ने भी इसकी व्याख्या करते हुए कहा है, प्राणिधान वो भक्ति है जिससे उस योगी पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है और उसकी सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऋषि शांडिल्य के मतानुसार ईश्वर में परम अनुरक्ति ही भक्ति है। पराभक्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या तो वो है जो भक्त राज प्रहलाद ने दी है। अविवेकी पुरुषों की इंद्रिय विषयों में जैसी तीव्र आसक्ति होती है, तुम्हारे प्रति उसी प्रकार की तीव्र आसक्ति तुम्हारा स्मरण करते समय कहीं मेरे हृदय से चली न जाए। ये आसक्ति किसके प्रति? उन्हीं परम प्रभु ईश्वर के प्रति। किसी अन्य पुरुष, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके प्रति आसक्ति को कभी भक्ति नहीं कह सकते। इसके समर्थन में एक प्राचीन आचार्य को उद्धृत करते हुए अपने श्री भाष्य में रामानुज कहते हैं, ब्रह्मा से लेकर एक तिनका तक संसार के समस्त प्राणी कर्मजनित जन्म मृत्यु के वश में है, अतएव अविद्या युक्त और परिवर्तनशील होने के कारण वे इस योग्य नहीं कि ध्येय विषय के रूप में वे साधक के ध्यान में सहायक हों। शांडिल्य के अनुरक्ति शब्द की व्याख्या करते हुए भाष्यकार स्वप्नेश्वर कहते हैं, उसका अर्थ है अनु यानी पश्चात और रक्ति यानी आसक्ति, अर्थात वो आसक्ति जो भगवान के स्वरूप और उनकी महिमा के ज्ञान के पश्चात आती है। अन्यथा स्त्री पुरुष आदि किसी भी व्यक्ति के प्रति अंध आसक्ति को ही हम भक्ति कहने लगे। अतः हम स्पष्ट देखते हैं कि आध्यात्मिक अनुभूति के निमित्त किए जाने वाले मानसिक प्रयत्नों की परंपरा या क्रम ही भक्ति है, जिसका प्रारंभ साधारण पूजा पाठ से और अंत ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ एवं अनन्य प्रेम में होता है। ईश्वर का स्वरूप। ईश्वर कौन है? जिनसे विश्व का जन्म स्थिति और प्रलय होता है वे ही ईश्वर हैं। वे अनंत शुद्ध नित्य मुक्त सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परम कारुणिक और गुरुओं के भी गुरु हैं, और सर्वोपरि वे ईश्वर अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप हैं। उपर्युक्त सब व्याख्या अवश्य सगुण ईश्वर की है। तो क्या ईश्वर दो हैं? एक सच्चिदानंद स्वरूप जिसे ज्ञानी नेति नेति करके प्राप्त करता है, यानी ये भी नहीं करके प्राप्त करता है, और दूसरा भक्त का ये प्रेममय भगवान? नहीं, वो सच्चिदानंद ही ये प्रेममय भगवान है। वो सगुण और निर्गुण दोनों है। ये सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि भक्त का उपास्य सगुण ईश्वर ब्रह्म से भिन्न अथवा पृथक नहीं है। सब कुछ वही एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है। पर हां, ब्रह्म का ये निर्गुण स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण प्रेम व उपासना के योग्य नहीं। इसीलिए भक्त ब्रह्म के सगुण भाव अर्थात परम नियंता ईश्वर को ही उपास्य के रूप में ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए, ब्रह्म मानो मिट्टी या उपादान के सदृश है जिससे नाना प्रकार की वस्तुएं निर्मित हुई हैं। मिट्टी के रूप में तो वे सब एक हैं, पर उनके बाह्य आकार अलग अलग होने से वे भिन्न भिन्न प्रतीत होती हैं। उत्पत्ति के पूर्व वे सब की सब मिट्टी में गूढ़ भाव से विद्यमान थी। उपादान की दृष्टि से अवश्य वे सब एक हैं, पर जब वे भिन्न भिन्न आकार धारण कर लेती हैं और जब तक आकार बना रहता है तब तक तो वे पृथक पृथक ही प्रतीत होती हैं। मिट्टी का एक चूहा कभी मिट्टी का हाथी नहीं हो सकता, क्योंकि गढ़े जाने के बाद उनकी आकृति ही उनमें विशेषत्व पैदा कर देती है। यद्यपि आकृतिहीन मिट्टी की दशा में वे दोनों एक ही थे। ईश्वर उस निरपेक्ष सत्ता की उच्चतम अभिव्यक्ति है, या यूं कहिए मानव मन के लिए जहां तक निरपेक्ष सत्य की धारणा करना संभव है बस वही ईश्वर है। सृष्टि अनादि है और उसी प्रकार
ईश्वर भी अनादि है। वेदांत सूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद में ये वर्णन करने के पश्चात कि मुक्ति लाभ के उपरांत मुक्तात्मा को एक प्रकार से अनंत शक्ति और ज्ञान प्राप्त हो जाता है, व्यासदेव एक दूसरे सूत्र में कहते हैं, पर किसी को सृष्टि, स्थिति और प्रलय की शक्ति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि यह शक्ति केवल ईश्वर की ही है। इस सूत्र की व्याख्या करते समय द्वैतवादी भाष्यकारों के लिए ये दर्शाना सरल है कि परतंत्र जीव के लिए ईश्वर की अनंत शक्ति और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना नितांत असंभव है। कट्टर द्वैतवादी भाष्यकार मध्वाचार्य ने वराह पुराण से एक श्लोक लेकर इस सूत्र की व्याख्या अपनी पूर्व परिचित संक्षिप्त शैली में की है। इसी सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार रामानुज कहते हैं, ऐसा संशय उपस्थित होता है कि मुक्तात्मा को जो शक्ति प्राप्त होती है उसमें क्या परम पुरुष की जागृत सृष्टि आदि असाधारण शक्ति और सर्वनियंत्रित्व भी अंतर्भूत हैं, या कि उसे यह शक्ति नहीं मिलती और उसका ऐश्वर्य केवल इतना ही रहता है कि उसे परम पुरुष के साक्षात दर्शन भर हो जाते हैं। तो इस पर पूर्व पक्ष ये उपस्थित होता है कि मुक्तात्मा का जगन्नियंत्रित्व प्राप्त करना युक्त युक्त है, क्योंकि शास्त्र का कथन है, वो शुद्ध रूप होकर परम एकत्व प्राप्त करता है, मुंडक उपनिषद 3:1-3। अन्य स्थान पर यह भी कहा गया है कि उसकी समस्त वासना पूर्ण हो जाती है। अब बात यह है कि परम एकत्व और सारी वासनाओं की पूर्ति परम पुरुष की असाधारण शक्ति जगन नियंत्रित्व बिना संभव नहीं। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि उसकी सब वासनाओं की पूर्ति हो जाती है तथा उसे परम एकत्व प्राप्त हो जाता है, तो हमें यह मानना ही चाहिए कि उस मुक्तात्मा को जगन नियंत्रित्व की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस संबंध में हमारा उत्तर यह है कि मुक्तात्मा को जगन नियंत्रित्व के अतिरिक्त अन्य सब शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। जगन नियंत्रित्व का अर्थ है विश्व के सारे स्थावर और जंगम के रूप, उनकी स्थिति और वासनाओं का नियंत्रित्व। पर मुक्तात्माओं में ये जगन नियंत्रित्व की शक्ति नहीं रहती। हां, उनकी परमात्म दृष्टि का आवरण अवश्य दूर हो जाता है और उन्हें प्रत्यक्ष ब्रह्मानुभूति हो जाती है। बस यही उनका एकमात्र ऐश्वर्य है। ये कैसे जाना? शास्त्र वाक्य के बल पर। शास्त्र कहते हैं कि जगन नियंत्रित्व केवल पर ब्रह्म का गुण है, जैसे जिससे यह समुदाय उत्पन्न होता है, जिसमें यह समुदाय स्थित रहता है और जिसमें प्रलय काल के ये समुदाय लीन हो जाता है। तू उसी को जानने की इच्छा कर, वही ब्रह्म है। यदि ये जगन नियंत्रित्व शक्ति मुक्तात्माओं का भी एक साधारण गुण रहे तो उपर्युक्त श्लोक फिर ब्रह्म का लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जगन नियंत्रित्व गुण से ही उसका लक्षण प्रतिपादित हुआ है। असाधारण गुणों के द्वारा ही किसी वस्तु की व्याख्या होती है, उसका लक्षण प्रतिपादित होता है। अतः निम्नलिखित शास्त्र वाक्यों में यह प्रतिपादित हुआ कि परम पुरुष ही जग नियमन का करता है, और इन वाक्यों में ऐसी किसी भी बात का उल्लेख नहीं जिसमें मुक्तात्मा का जगन नियंत्रित्व स्थापित हो सके। शास्त्र वाक्य ये हैं, वत्स, आदि में एकमेव अद्वितीय ब्रह्म ही था, उसमें इस विचार का स्फुरण हुआ कि मैं बहु सृजन करूंगा, उसने तेज की सृष्टि की, आदि में केवल ब्रह्म ही था, उसकी उत्क्रांति हुई, उससे क्षत्र नामक एक सुंदर रूप प्रकट हुआ, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईशान, ये सब देवता क्षत्र हैं। पहले आत्मा ही थी, अन्य कुछ भी क्रियाशील नहीं था। उसे सृष्टि सृजन का विचार आया और फिर उसने सृष्टि कर डाली। एकमात्र नारायण ही थे, ना ब्रह्म थे, ना ईशान, ना ध्यावा पृथ्वी, नक्षत्र, जल, अग्नि, सोम और ना सूर्य। अकेले उन्हें आनंद ना आया। ध्यान के अनंतर उनके एक कन्या हुई, दश इंद्रिय, जो पृथ्वी में वास करते हुए भी पृथ्वी से अलग हैं, जो आत्मा में रहते हुए, इत्यादि इत्यादि। दूसरे सूत्र की व्याख्या करते हुए रामानुज कहते हैं, यदि तुम कहो कि ऐसा नहीं है, वेदों में तो ऐसे अनेक श्लोक हैं जो इसका खंडन करते हैं, तो वास्तव में वेदों के उन उन स्थानों पर केवल निम्न देवलोकों के संबंध में ही मुक्तात्मा का ऐश्वर्य वर्णित है। ये भी एक सरल मीमांसा है। यद्यपि रामानुज समष्टि की एकता स्वीकार करते हैं, तथापि उनके मतानुसार
इस समष्टि के भीतर नित्य भेद है, अतएव ये मत भी कार्यतः द्वैत भावनात्मक होने के कारण जीवात्मा और सगुण ब्रह्म ईश्वर में भेद बनाए रखना रामानुज के लिए कोई कठिन कार्य न था। अब इस संबंध में प्रसिद्ध अद्वैतवादी का क्या कहना है, ये समझने का प्रयत्न करें। हम देखेंगे कि अद्वैत मत द्वैत मत की समस्त आशाओं और स्पृहाओं की किस प्रकार रक्षा और पूर्ति करता है, और फिर साथ ही किस प्रकार ब्रह्म भावापन मानव जाति की परमोच्च गति के साथ सामंजस्य बैठाते हुए अपने भी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। जो व्यक्ति मुक्ति लाभ के बाद भी अपने व्यक्तित्व की रक्षा के इच्छुक हैं, भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, उन्हें अपनी स्पृहाओं को चरितार्थ करने और सगुण ब्रह्म का संभोग करने का यथेष्ट अवसर मिलेगा। ऐसे लोगों के बारे में भागवत पुराण में कहा गया है, हे राजन, हरि के गुण ही ऐसे हैं कि समस्त बंधनों से मुक्त आत्मा राम ऋषि मुनि भी भगवान की अहेतुकी भक्ति करते हैं। सांख्य में इन्हीं लोगों को प्रकृतिलीन कहा गया है। सिद्धि लाभ के अनंतर यही दूसरे कल्प में विभिन्न जगत के शासनकर्ता के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु इनमें से कोई भी कभी ईश्वर तुल्य नहीं हो पाता। जो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गए हैं जहां न सृष्टि है न सृष्ट न सृष्टा, जहां न ज्ञाता है न ज्ञान और न ज्ञे, जहां न मैं है न तुम और न वह, जहां न प्रमाता है न प्रमेय न प्रमाण, जहां कौन किसको देखे, वे पुरुष सबसे अतीत हो गए हैं और वहां पहुंच गए हैं जहां न वाणी पहुंच सकती है न मन, और जिसे श्रुति नेति नेति कहकर पुकारती है। परंतु जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते अथवा जो इच्छा नहीं करते, वे उस एक अविभक्त ब्रह्म को प्रकृति आत्मा और इन दोनों में ओतप्रोत एवं इनके आश्रय स्वरूप ईश्वर इस त्रिधा विभक्त रूप में देखेंगे। जब प्रह्लाद अपने आप को भूल गए तो उनके लिए न तो सृष्टि रही और न उसका कारण, रह गया केवल नाम रूप से अविभक्त एक अनंत तत्व। पर ज्यों ही उन्हें ये बोध हुआ कि मैं प्रह्लाद हूं, त्यों ही उनके सम्मुख जगत और कल्याणमय अनंत गुणागार जगदीश्वर प्रकाशित हो गए। यही अवस्था बड़भागी नंद नंदन गण प्राता गोपियों की भी हुई थी। जब तक वे अहम ज्ञान से शून्य थीं, तब तक वे मानो कृष्ण की ही हो गई थीं। पर ज्यों ही वे कृष्ण को उपास्य रूप में देखने लगीं, बस त्यों ही वे फिर से गोपी की गोपी हो गईं। और तब उनके सम्मुख पीताम्बरधारी माल्य विभूषित साक्षात मनमथ के भी मन को मथ देने वाले मृदुहास्य रंजित कमल मुख श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अब हम आचार्य शंकर की बात करते हैं। उन्होंने कहा है, अच्छा, जो लोग सगुण ब्रह्मोपासना के बल पर परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, पर साथ ही जिनका मन अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखता है, उसका ऐश्वर्य ससीम होता है या असीम? ये संशय आने पर पूर्व पक्ष उपस्थित होता है कि उनका ऐश्वर्य असीम है, क्योंकि शास्त्रों का कथन है उन्हें स्वराज्य प्राप्त हो जाता है, सब देवता उनकी पूजा करते हैं, सारे लोकों में उनकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके उत्तर में वेदव्यास कहते हैं, हां, जगत की सृष्टि आदि की शक्ति को छोड़कर मुक्तात्मा को सृष्टि स्थिति और प्रलय की शक्ति से अतिरिक्त अन्य सब आणिमादि शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। रहा जगत का नियंत्रत्व, वह तो केवल नित्य सिद्ध ईश्वर का होता है। कारण कि शास्त्रों में जहां जहां पर सृष्टि आदि की बात आई है, उन सभी स्थानों में ईश्वर की ही बात कही गई है, वहां पर मुक्तात्माओं का कोई प्रसंग नहीं है। जगत के परिचालन में केवल उन्हीं परमेश्वर का हाथ है। सृष्टि आदि संबंधी सारे श्लोक उन्हीं का निर्देश करते हैं। शास्त्र ये भी कहते हैं कि अन्य जनों की आणिमादि शक्तियां ईश्वर की उपासना तथा ईश्वर के अन्वेषण से ही प्राप्त होती हैं। ये शक्तियां असीम नहीं हैं, अतएव जगन नियंत्रत्व में उन लोगों का कोई स्थान नहीं। फिर वे अपने मन का पृथक अस्तित्व बनाए रखते हैं, इसलिए यह संभव है कि उनकी इच्छाएं अलग अलग हों। हो सकता है कि एक सृष्टि की इच्छा करे तो दूसरा विनाश की। ये द्वंद्व दूर करने का एकमात्र उपाय यही है कि वे सब इच्छाएं अन्य किसी एक इच्छा के अधीन कर दी जाएं। अतः सिद्धांत ये निकला
कि मुक्तात्माओं की इच्छाएं परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। अतएव भक्ति योग केवल सगुण ब्रह्म के प्रति की जा सकती है। देहाभिमानियों को अव्यक्त गति कठिनता से प्राप्त होती है। हमारे स्वभाव रूपी स्रोत के साथ सामंजस्य रखते हुए भक्ति प्रवाहित होती है। यह सत्य है कि ब्रह्म की मानवीय भाव के अतिरिक्त हम किसी दूसरे भाव की धारणा नहीं कर सकते। पर क्या यही बात हमारी ज्ञात प्रत्येक वस्तु के संबंध में नहीं घटती? संसार के सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक भगवान कपिल ने सदियों पहले यह बता दिया था कि हमारे समस्त बाह्य और आंतरिक विषय ज्ञानों और धारणाओं में मानवीय ज्ञान एक उपादान है। अपने शरीर से लेकर ईश्वर तक यदि हम विचार करें तो प्रतीत होगा कि हमारे अनुभव की प्रत्येक वस्तु दो बातों का मिश्रण है। एक है ये मानवीय ज्ञान और दूसरी है एक अन्य वस्तु, फिर ये अन्य वस्तु चाहे जो हो। इस अवश्यंभावी मिश्रण को ही हम साधारणतः सत्य समझा करते हैं। सचमुच आज या भविष्य में मानव मन के लिए सत्य का ज्ञान जहां तक संभव है वो इसके अतिरिक्त और अधिक कुछ नहीं। अतएव ये कहना कि ईश्वर मानव धर्म वाला होने के कारण असत्य है निरीमूढ़ता है। ये बहुत कुछ पाश्चात्य विज्ञानवाद यानी आइडियलिज्म और सर्वास्तित्ववाद रियलिज्म के झगड़े के समान है। ये सारा झगड़ा केवल इस सत्य शब्द के उलटफेर पर आधारित है। सत्य शब्द से जितने भाव सूचित होते हैं वे समस्त भाव ईश्वर भाव में आ जाते हैं। ईश्वर उतना ही सत्य है जितनी विश्व की अन्य कोई वस्तु। वास्तव में सत्य शब्द यहां पर जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है उससे अधिक सत्य शब्द का और कोई अर्थ नहीं। यही हमारी ईश्वर संबंधी दार्शनिक धारणा है।